balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé. Balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje. Hey guys, welcome back to the technical के YouTube channel. So guys, आज की स्टूडियो में हम लोग बात करेंगे नई लेटेस्ट कार के बारे में जिसके अंदर मिलता है सिंगल डैमेज डबल एक्यूरेसी माइनस में मैगजीन. तो मैंने एक गोल्ड रॉयल करा, उसके बाद करी अपनी ट्रिक का यूज. लोग कहेंगे कोई ट्रिक नहीं होती, लक पे डिपेंड करता है. तो गाइज आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर भी मैं गन निकालता हूँ या डायमंड रॉयल निकालता हूँ तो क्या ट्रिक होती है गाइज मेरी. एक दो तीन स्पिन करता हूँ सिंगल सिंगल के, ठीक है ना गाइज. पहले एक स्पिन करा, फिर दूसरा करा, अभी ये मैंने तीसरा स्पिन कर दिया है, ठीक है ना. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक 10 का स्पिन करता हूँ और ज़्यादातर आपको मिल जाती है परमानेंट गन के स्किन. तो मैंने एक 10 का स्पिन कर दिया गाइज. ये लीजिए चरखा, घूमी 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 और ये गिर गई हमारा बॉक्स नीचे ढक करके. अब देखते हैं इसमें से हमको क्या मिलता है. तो गाइस आप देख सकते हैं ये बॉक्स गिरा 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 और ये लीजिए मिल गई इस कार हमको परमानेंट. तो आप कहेंगे ये फेक ट्रिक है, कोई ट्रिक वर्क नहीं करती. तो गाइस ये रात को 12 बजे नोनो लाइव के ऊपर मैं लाइव था, वहां पर मैंने इसको निकाला. तो आप ऊपर नोनो लाइव का आइकन देख सकते हैं कि भाई यार मैं नोनो लाइव पे लाइव था, ठीक है ना गाइस. तो अब मेरे को मिल चुकी है इस कार परमानेंट. इस कार की स्पेसिफिकेशन एबिलिटी के बारे में मैं बता देता हूं कि गाइस इसमें मिलते हैं डबल एक्यूरेसी सिंगल डैमेज प्लस और माइनस में मिलते हैं आपको मैगजीन. डबल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि यार आपकी गोली ज़्यादातर एनिमीज़ की बॉडी पे ही लगेगी, ठीक है ना गाइज. और उसके बाद डैमेज का क्या होता है कि आपका डैमेज 25 से लेकर 28 तक आ जाएगा. अगर आपका डैमेज थोड़ा ज़्यादा होता है तो 30 तक आ सकता है. ऐसे करके डैमेज का अप कर दिया गया गाइज इन्होंने. उसके बाद आती है कि इस कार किससे बेस्ट है, क्या इसमें क्या होता है. तो गाइस देखते हैं कि ये सारी स्कार को बीट कर सकती है या नहीं बीट कर सकती, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी स्कार्स हैं. मेरे पास ऑलरेडी 7-8 स्कार हैं जो भी मेरे पास हैं. तो पता नहीं वो इनको बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. तो देखते हैं गाइस क्या होता है. हम इसको पूरा अच्छी तरह डीप रिव्यू करेंगे स्कार का कि भाई ये स्कार बेनिफिट है निकालने के बाद या नहीं, ठीक है ना गाइस. ये हो गई हमारी स्कार. तो मैं एक वीडियो स्टार्ट करता हूँ, काफ़ी ढंग से गेम प्ले आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना. तो मैंने क्या सोचा यार इस कार के बारे में कि मैं इसमें ग्रिप लगा के मारूं गोली बिना ग्रिप के मारूं. देखते हैं कि यार कितना रिकॉल करते हैं. डबल एक्यूरेसी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. तो देखते हैं कि यार अगर हम गोलियां मारेंगे तो कितनी में से कितनी गोलियां उस बंदे के ऊपर लगेंगी बिना ग्रिप के और विद ग्रिप के, ठीक है ना गाइज. तो पूरा ढंग से पूरा एंड तक वीडियो को देखना जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा. तो हमारा प्लेन आया गाइज, लूटते हैं स्कार क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होता है स्कार गन को ही ढूंढना. क्योंकि मैं 3-4 गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा, उसमें इतनी मस्त गेम प्ले रिकॉर्ड है बट स्कार ही नहीं मिला. तो इसमें स्कार मिला और ठीक ठाक रिकॉर्ड भी हो गया तो मैं आपके लिए बना के डाल रहा हूँ. तो गाइस मैं उतरूंगा पीक पे जहाँ मिलेंगे बंदे काफ़ी सारे, उनको मारते हैं स्कार से. अगर स्कार नहीं मिलती जो भी गन मिलते हैं उससे मारते हैं. तो गेम पे थोड़ा ध्यान देंगे अब हम क्या करते हैं. चलो भाई हम जाते हैं पीक के बालकनी वाले घर के अंदर क्योंकि वहीं उतर के बंदे मारने की कोशिश करते हैं. तो गाइस वैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया इस कार से, सच बता रहा हूँ. तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करा, एक दो और वीडियो रिकॉर्ड करा तो उसके अंदर भी इस कार का मज़ा नहीं आया मेरे को सच में. उसके बारे में बताता हूँ क्यों, क्या कारण है उसका. तो चलो पहले एक बार ध्यान से फोकस करते हैं उतरने पे. जी हाँ मिल गई हमको एक गन. तो गेम थोड़ी सी लैग हुई, मिल गया हमको लैंडमाइन, लूट कर लेते हैं MP5 मिल गई. स्कार ढूंढते हैं गाइस, स्कार स्कार वेयर इज स्कार, या फिर किसी बंदे को मार के ही लूटनी पड़ेगी. स्कार नहीं मिली, स्कार क्या यार कहाँ है स्कार. तो हम स्कार ढूंढते हैं. अब मैं बताता हूँ क्या हुआ. तो जैसे ही मैंने इस पर मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या जैसे ही स्कार मिली तो एक दो गेम खेला तो मेरे को क्या देखने को मिलता है कि यार इस कार का एक लोचा है. एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण ड्रैग करके इसका हेडशॉट नहीं लग पा रहा. जी हाँ गाइस बिल्कुल सही सुन रहे हो आप कि ड्रैग करके हेडशॉट नहीं लग पा रहा. तो ड्रैग करके हेडशॉट कैसे मारते हैं उसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ ऑटो हेडशॉट की, 3-4 दिन पहले आई थिंक अपलोड करा था. तो काफ़ी सही वीडियो गया वो वाला, उस पर 100K व्यूज़ आ चुके हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना. तो अब मैं लूटता हूँ इन बंदों को, मारता हूँ और देखता हूँ कि क्या लोचा है. मतलब सच बता रहा हूँ गाइस डबल एक्यूरेसी का मतलब ये होना चाहिए ना कि अगर आप 2 या 3 ग्रिप लगाते हैं तो अगर आप 25 गोली मार रहे हैं तो 25 में से कम 20 गोली तो लगे ना उस पर, ठीक है ना. यही होगा ना डबल एक्यूरेसी का मतलब. बट जब मैंने इसको यूज़ करा तो भाई साहब मैं सच में शौक हो गया कि भाई इतना ज़्यादा रिकॉल कर रही थी. रिकॉल मतलब कि इधर उधर गोली जा रही थी डबल एक्यूरेसी होने के बाद भी सच में. तो चलो भाई साहब इनको मार दिया गाइज मैंने. इनके पास आई थिंक स्कार थी किसी बंदे के पास, तो उसकी स्कार लूटते हैं और फटैक से करते हैं स्कार का रिव्यू. तो गाइस स्कार मिल चुकी है, लुक स्कार की काफ़ी अच्छी है. बंदा आया, चलो इसको मार दिया हमने.
जूम करके अब हमारे पास आ चुकी है स्कार की गन। तो मैं कोशिश करूँगा दोनों स्कार रख के चलाने की। तो ये लीजिए गाइज, मेरे को दोनों स्कार मिल गई हैं। अब मैं इसको ढंग से रिव्यू करता हूँ कि भाई क्या किस कार में क्या पावर है। तो गाइज मैंने सोचा कि एक स्कार में हम लगाएंगे मज़र, एक स्कार में लगाएंगे हम साइलेंसर, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है स्कार का रिव्यू, कि भाई स्कार का साइलेंसर और मज़र लगाने से डैमेज का इम्पैक्ट पड़ता है, साइलेंसर प्रेफर होएगा या वो प्रेफर होएगा मज़र, तो देखते हैं चलो, ठीक है ना। तो ये देखिए गाइस दो स्कार है। स्कार का लुक सच में बहुत सेटिस्फाई लगा, कि मतलब कहते हैं जहर लुक, मेरे कपड़ों के साथ तो वैसे इतना मस्त लग रहा था स्कार, मतलब मज़ा आ गया स्कार देख के, ठीक है ना। तो अब देखते हैं गाइस दोनों स्कार है, बंदा देखने का वेट है, बंदा दिखेगा मारने की कोशिश करते हैं उसको कि क्या होगा हमारे साथ। चलो तो वैसे ना बेस्ट कार पता है कौन सी है यार, मेरे पास डबल रेट ऑफ वाली फायर वाली इनक्यूबेटर कार है, उसकी भी वीडियो में बना के डाला था, बट वो मेरे को सबसे अच्छी अभी तक वही लगी, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा मारती है यार। ये तो कुछ भी नहीं, देख भाई देख रहे हो गोली, देख रहे हो क्या सिक्का क्या 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 कितना ज़्यादा रिकॉल हो रहा है, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा मारा डैमेज और इतना परफेक्ट गोली उसके ऊपर मारा, एम करने के बाद भी हेडशॉट भी नहीं लग रहा। 22 22 अब देखो कितना मस्त लगा, अब ये कहाँ हो गया, बैठ के चलो गया। तो मेरे को मज़ा नहीं आया यार इस कार में। आप कमेंट करके बताना कि यार आपको गेम प्ले देखने के बाद कैसा लगा, कि ये इस कार सच में इतनी ख़तरनाक है या फिर डायमंड रॉयल में हमारा पैसा वेस्ट। तो मैं इसको मारता हूँ फटैक से, बंदा आ रहा है आई थिंक एक और। तो भाई सच में यार इस कार डबल एक्यूरेसी होने के बाद भी इतना ज़्यादा रिकॉल करना, क्या जे तो डैमेज आदमी था यार, इस पे क्या मारो। तो वैसे ही ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार ना ग्रिप्स ग्रुप्स है मेरे पास, तो मैं उनको फेंक देता हूँ बिना ग्रुप के, स्कार चला के देखते हैं कि क्या होता है, कि भाई स्कार का डैमेज में इंप्रूवमेंट होता है या नहीं, साइलेंसर क्या है, गोली कितना किसका किधर जाता है। तो मैंने दोनों ग्रिप हटा दिया, तो अब मेरे पास कार है गाइस जिसके अंदर कोई भी ग्रिप नहीं और जिसके अंदर दोनों तरफ मैगजीन कह रहा हूँ, एक में साइलेंसर एक में दो का मज़ल है। तो अब दोनों स्कार से देखते हैं क्या होगा हमारा गेम प्ले। चलो गाइस हम चलते हैं भीमा शक्ति की तरफ, वहाँ जाके मारते हैं बंदे और देखते हैं कि क्या स्कार मार पाएगी बंदों को। तो लुक तो भाई साहब सेटिस्फाइड लगी बिल्कुल स्कार की, बट मज़ा नहीं आया सच में यार, या फिर मेरे को इसलिए मज़ा नहीं आया बिकॉज मैं डबल रेट ऑफ फायर वाली स्कार का यूज़ करता हूँ, उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि भाई मैं डबल रेट ऑफ फायर वाली चलाता हूँ जिसमें डैमेज अप है और इतना मस्त मारता है। ये देखो स्कार दिखने में कितनी मस्त है यार, कहते जहर लुक वाली स्कार है, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिला यार, ऑटो हेडशॉट भी नहीं लग रहा है इसमें ड्रैग करके, एक्यूरेसी ज़्यादा है जिससे ड्रैग नहीं हो रहा, और एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि गोली भी नहीं लग रही, मतलब कि एक्यूरेसी अगर तुम कर रहे हो तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो वेस्ट पे तो डैमेज करे, वेस्ट पे भी गोली नहीं लगती और वैसे भी नहीं लगती, क्या यार पैसा वेस्ट हो गया लग रहा है मेरे को। मैंने 14-15 स्पिन करे ना इस कार के लिए तो वो वेस्ट हो गए मेरे, यूं ही मान के चलो 15 वाउचर के वाउचर वेस्ट गए, चाहे बेशक परमानेंट मिल गई तो परमानेंट मिलने का क्या फ़ायदा अगर आप इसको यूज़ ही ना कर पाओ ना, मतलब सही बोला ना मैं कि भाई अगर परमानेंट मिलने का क्या फ़ायदा कि अगर यूज़ ही ना कर पाओ आप इसको। तो चलो गाइस अब चलते हैं, हम भीमा शक्ति पहुंच चुके हैं आई थिंक, यहाँ बंदे होंगे। स्कार का लुक तो इतना मस्त लग रहा है, अब देखते हैं कि क्या हम बंदों को मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे इस डबल स्कार से। चलो भाई साहब फटैक से भीमा शक्ति में, आई थिंक यहाँ कहीं ना कहीं तो बंदे होंगे ही होंगे। कहाँ हैं बंदे, कहाँ हैं, यहीं थे बंदे हैं। तो चलो भाई साहब बंदे मारते हैं, देखते हैं कि स्कार क्या कितना तबाही मचा पाएगा। आर यू रेडी फॉर फाइट? तो आई थिंक बंदा, हाँ तो स्कोप लिया, गोली स्कोप लेके गोली मारो भाई। रिकॉल बीच बीच में मतलब कि इतना ज़्यादा हो रहा है और बीच में इतना ठीक चल रहा है, मतलब गाइस अब मैं इसका थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ कि इस कार का यूजेज क्या है, इस कार को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो देखो कितना गोली आप देख पाओगे कितना इधर उधर फैल रहा है गोली, 2 20 20 के लगे, मैंने 5-6 गोली मारी, 6 गोली में 2 लग रही हैं, और डबल एक्यूरेसी का फायदा है क्या भाई कि 5-6 गोली में 2 ही लग रही हो। तो ये देखो जूम इन जूम आउट करके भी भाई साहब 3-4 गोली लग रही, ये देखो जूम इन जूम आउट करके कितना सही लगा। बट अच्छा अब आया गाइस इसका स्कार का समझ कि भाई अगर आप जूम इन जूम आउट करोगे तो ये काफ़ी सही डैमेज कर पाओगी, अगर आप टैप करे रखोगे और फायर करते रहोगे तो ये स्कार है बिल्कुल कचरा स्कार, क्योंकि इसके अंदर टैप करने पे क्या होता है कि पहले की 5-6 गोली जाएगी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बंदे के ऊपर, एक हेड भी लगने के चांस हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर होगी बट वो सारी की सारी बंदे को ही लगेगी। बट अगर आप इसको टैप करते नहीं और आप इसको दबाए रखते हो तो भाई साहब ये मतलब कि
इतना गंद हो जाएगी, मतलब इतना सारा रिकॉल करेगी, तो फिर फ़ायदा ही क्यों है डबल एक्यूरेसी के यार, टैप ही कर ही नहीं सकते। तो मैं दिखाता गाइस, कोई भी ढंग की जगह पर जाता हूँ और वहाँ ना पेड़ के ऊपर इसका आपको बताता हूँ कि क्या इसका लोच है, कि कैसे ये स्कार चल रही है, क्या इसका एल्गोरिथम है, या फिर क्या इस स्कार के अंदर किया गया है कि थोड़ी ढंग के चलें, ठीक है ना गाइस। तो चलो भाई साहब यहीं कहीं पेड़ पकड़ देते हैं, कोई मस्त सा गोली है 200-200 दोनों के अंदर, तो 200-200 गोली वेस्ट करके करते हैं ट्राई, ठीक है ना। तो मैं मेरे को मतलब कि मज़ा नहीं आया, ये देखो इस कितना ज़्यादा गोली इधर उधर देख रहे हो भाई देख रहे हो, मतलब ओ भाई क्रॉस हेयर इतना बड़ा हो रहा है, पूरे चारों तरफ गोली फैल रहा है, ये देखो कितना परफेक्ट क्या। उसके बाद देखो गाइज, अब मैं बताता हूँ इसका परफेक्शन क्या है। इस कार को यूज़ करना है तो आपको करना पड़ेगा जैसे अब मैं टैप टैप करके मार रहा हूँ, वैसे अगर आप इसको दबाए रखोगे तो भाई ये इतना ज़्यादा उधर हिलेगा, देखो ये देखो क्रॉस हेयर देख लो कहाँ कहाँ जाएगा गोली, ऊपर नीचे कितना ज़्यादा हो रहा है, वो डिफ़ॉल्ट के अंदर ऊपर नीचे इतना होना तब तक कि खतरनाक ही है। देखो ये भाई साहब एक्यूरेसी में मज़ा नहीं आया गाइस, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ पाया, इसकी डबल एक्यूरेसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे अच्छा तो भाई कुछ और चीज़ दे देते। ये देखो पहला गोली कितना परफेक्ट जा रहे हैं गाइस, अब देखो पेड़ के बीच के जो मेन पॉइंट है वहाँ गोली कितना लग रहा है और चारों तरफ कितना फैल रहा है, देख पाए, देखा ये है इस कार का नुकसान भी फायदा भी, यही मान के चलो कि अगर आपको किसी बंदे को मारना है टैप करो, 7-8 गोली मारो छोड़ दो, 7-8 गोली मारो छोड़ दो, ऐसे करके मारना पड़ेगा तभी आप बंदे को एक्यूरेट मार पाएंगे। उसके लिए हमारे पास लोरा करेक्टर है, हमें कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस बंदे आ रहे हैं गाड़ी में, देखो कितना ज़्यादा रिकॉल करा आपका गन, पहला को गोली कितना सही चला, उसके बाद कितना ज़्यादा रिकॉल करा, ये देखो 20-20 के तीन पड़े, उसके बाद गोली नहीं पड़ रहा, देख रहे हो 20-20 के तीन पड़े, 22 पड़े फिर गोली नहीं पड़ रहा, फिर टैप करके छोड़ा दो इकट्ठे डाउन, हेड पड़ गया एक बीच में रैंडम, क्योंकि रिकॉल ज़्यादा है हेड भी पड़ सकता है, बट इतना रिकॉल का फायदा नहीं, क्योंकि अच्छा प्लेयर होगा तो मेरे को मार देगा। देखो सामने खड़ा है गाइज, मेरे सामने खड़ा था और मैं कितना मारा उसको, कैसे कितना मुश्किल से गोली लगा। तो आई थिंक ये इस कार का मेरे को तो सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, अगर आपको लगा तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई स्कार कैसी लगी, अगर आपको स्कार लगी है अच्छी तो कमेंट करना अच्छी, अगर नहीं लगी अच्छी तो कमेंट करना नॉट अच्छी। तो अगर आपको आती है वीडियो पसंद तो लाइक कमेंट शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप स्कार अनलॉक करने जा रहे हैं ये वाली, तो मेरा ओपिनियन है नो डोंट गो फॉर इट, तो बाय बाय, किसी और को करना ढूंढ देंगे कोई और भी यार आपके लिए, चलो बाय बाय।